से काहे उतर रही हैं ये बताइए, तो इंतजार कीजिए ना, ट्रेन में यही रह जाएगा। अरे इधर से उतरा, वहाँ से उतरे थे, खाल गया था। चाची दरवाजा नहीं है क्या ट्रेन में? हाँ भीड़ है। कैसे आई है दिल्ली से? रेलवे की तरफ ट्रेन नहीं मिली, कहाँ से आ रहे हैं? न्यू दिल्ली से। खिड़की से कूद के बाहर निकले हैं? कौन बोल दिया जी खिड़की से कूद के? अभी तो लोग निकल ही रहे हैं। निकल रहे हैं, हम नहीं ना निकले हैं। कल से भी ज्यादा एक स्लीपर में भीड़ है। दरवाजा नहीं है क्या ट्रेन वाला? दरवाजा नहीं है ऐसे ही। इधर ही चढ़े थे क्या? हाँ इधर से ही चढ़े। इधर ही चढ़े थे क्या? बहुत काफी भीड़ है, बहुत उधर आनी नहीं बनता। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली में भीड़ कितना था? बहुत दिन खड़े आया हूँ, पूरे रात खड़ा आया हूँ। ज्यादा भीड़ है, इतना भीड़ है, कम से कम लाखों लाख की संख्या तो होगी। ट्रेन में इस बोगी में कितने लोग होंगे? बोगी में तो कम से कम वही 2000। अरे ये जो हाल है स्लीपर बोगी की है, अगर स्लीपर बोगी की ये हाल है तो जनरल में फिर लोग कैसे आए होंगे? लोग ये कहना है कि पैसे तो हमने टिकट के पूरे दिए लेकिन हमें सुविधा रेलवे की तरफ ट्रेन नहीं मिली। छठ पूजा को लेके पटना रेलवे स्टेशन पे लोगों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। अभी संपूर्ण क्रांति ट्रेन आई है जिसमें लोग खिड़की से बाहर निकल रहे, सामान हो या इंसान हो खिड़की से बाहर निकल रहे। और इस ट्रेन में आप भीड़ देख सकते हैं, ये ट्रेन का स्लीपर बोगी है, स्लीपर कोच है जिसमें लोगों का जो भीड़ है गजब का है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं जनरल है, लोगों का भीड़ जो है स्टेशन पे देखने के लिए आपको मिल सकता है, पैर रखने तक का जगह नहीं है। लोगों का ये कहना है कि पूरी रात ट्रेन में मड़ के आए हैं, जगह नहीं था जहां हम लेट के आए बैठ के आए, रात भर खड़ा होकर इस ट्रेन में जैसे तैसे बिहार पहुंच जाते हैं। बिहार का सरकार सही नहीं है, गाड़ी फिर वहाँ से करवाना चाहिए था। एक ही गाड़ी में सबको जान लेने के लिए चाहते हैं, सबको पहुँच दिए वहाँ से। कहाँ निकली है वो? कोई ट्रेन में ट्रेन है वो निकली है वो? अच्छा टिकट विकट लिए? हाँ टिकट तो बेटिंग में लिया टिकट मैंने। कोई कहा कोई पता थोड़ी है कहाँ गया। बिहार पहुँच गए बस। कल से भी ज्यादा एक स्लीपर में भीड़ है। दरवाजा नहीं है क्या ट्रेन वाला? दरवाजा नहीं है इधर ही चढ़े थे क्या? बहुत उधर आनी नहीं बनता। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं। दरवाजा नहीं है क्या भैया? भीड़ ज्यादा हो रही है क्या? भीड़ देख रहे हो मैडम की तो बहुत ज्यादा भीड़ है, क्या करे इतने तो सर। बिहार का सरकार सही नहीं है, गाड़ी फिर वहाँ से करवाना चाहिए था। एक ही गाड़ी में सबको जान लेने के लिए चाहते हैं, सबको पहुँच दिए वहाँ से। कहाँ निकली है वो? कोई ट्रेन में ट्रेन है वो? निकली है वो? अच्छा टिकट विकट लिए? हाँ टिकट तो बेटिंग में लिया टिकट मैंने। कोई कहा कोई पता थोड़ी है कहाँ गया। बिहार पहुँच गए बस। आप बोल रहे यहाँ पे एक भैया से जो बोल रहे बिहार की सरकार अच्छी नहीं है, क्यों? अगर अच्छी रहता तो हम लोग के लिए सुविधा नहीं करते, ऐसे मर के ऐसे थोड़ी नहीं आते। मर के आ रहे हैं? बहुत एक पैर पे खाना रखे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है मैम। इतना भीड़ है, कम से कम लाखों लाख की संख्या तो होगी। ट्रेन में इस बोगी में कितने लोग होंगे? बोगी में तो कम से कम वही 2000। अरे चाची इधर से काहे उतर रही हैं ये बताइए, तो इंतजार कीजिए ना, ट्रेन में यही रह जाएगा। अरे इधर से उतरा, वहाँ से उतरे थे, खाली था ना यहाँ पे खाली था। तो अब काहे जल्दबाजी में खिड़की से कूद रही है? कोई बात। ट्रेन में भीड़ कितना था? बहुत दिन खड़े आया हूँ, पूरे रात खड़ा आया हूँ। तो पूरे पैसे दिए थे हमने, पूरे पैसे लगे थे हमारे, पूरा पैसा, लेकिन सुविधा कुछ नहीं। सुविधा है? गलती किसकी? आप लोग की है फिर? सरकार की गलती है। आप लोग क्यों बाहर कमाने जाते हैं? व्यवस्था नहीं है ना गांव में, इसलिए। पटना रेलवे स्टेशन का नजारा है जहां दिल्ली से ट्रेन आती है संपूर्ण क्रांति, और ये स्लीपर बोगी का हाल है जहां से महिला भी खिड़की से कूद के बाहर निकल रही है। चाची दरवाजा नहीं है क्या ट्रेन वाला? हाँ भीड़ है बहुत। कैसे आई है दिल्ली से? ऐसे कसम कसम के आए हैं। चोट सब में लगा। छठ पूजा से इसलिए आना था। सरकार आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती? क्या व्यवस्था, ये व्यवस्था करता तो यही हाल रहता। ये हाल नहीं रहता ना, एकदम सारे रात दर्द में मर के आई हूँ। सारी रात दर्द में आई तो टिकट नहीं ली थी? टिकट थी फिर भी ये हाल। फिर सीट नहीं मिला? सीट नहीं मिला। अच्छा वेटिंग में सीट नहीं मिला? नहीं वेटिंग में।
पटना रेलवे स्टेशन पे जैसे ही संपूर्ण क्रांति ट्रेन आती है लोगों का भीड़ जो है स्टेशन पे देखने के लिए आपको मिल सकता है। पैर रखने तक आज जगह नहीं है। लोगों का ये कहना है कि पूरी रात ट्रेन में मर गया है, जगह नहीं था जहां हम लेट के आए बैठ के आए। रात भर खड़ा होकर इस ट्रेन में जैसे तैसे बिहार पहुंच जाते हैं क्योंकि बिहार में छठ पूजा मनाना है और छठ पूजा मनाने के लिए अपने घर वापस आना था, इसलिए हमें जैसे भी तैसे करके बिहार आना पड़ा। ये देख सकते हैं प्लेटफॉर्म का हाल, जैसे ही ट्रेन आती है उसके बाद लोग दरवाजे से खिड़की से कूद के बाहर निकलने लगते हैं क्योंकि सभी को अपने घर जाने की जल्दी है। और ये जो हाल है स्लीपर बोगी की है, अगर स्लीपर बोगी की ये हाल है तो जनरल में फिर लोग कैसे आए होंगे। लोगों का ये कहना है कि पैसे तो हमने टिकट के पूरे दिए लेकिन हमें सुविधा रेलवे की तरफ से नहीं मिली। कहाँ से आ रहे हैं? न्यू दिल्ली से। खिड़की से कूद के बाहर निकले हैं? कौन बोल दिया जी खिड़की से कूद के? अभी तो लोग निकल ही रहे हैं। निकल रहे हैं, हम नहीं निकले हैं। मैं निकले ना। कैसे आए हैं? पूरा रात कैसे कटा इस ट्रेन में? अबे रात तो ऐसा कटा कि मत पूछो उसके बारे में। क्यों? भेड़ बकरी यार, इतना भीड़ है ना। भेड़ बकरी? हाँ भेड़ बकरी ऐसा ठूस क्या? हाँ हाँ एकदम। क्यों आए इतना जल्दी बिहार आने का क्या था? टिकट मिलता तब? टिकट है कंफर्म है, दिखा सकते हैं। टिकट जी हाँ, फिर भी सीट नहीं मिला। जी जी। बिहार सरकार फिर आप लोगों के लिए क्या कर रही है? बिहार सरकार क्या करेगी, वो अपना कर रही है जो करना है उसको। तो बिहार का महापर्व छठ आने वाला है जिसे लेकर बिहार में तैयारियां शुरू हो गई है और बिहार में बाहर जो अन्य राज्य में लोग रहते हैं वो अपने घर बिहार लौट रहे हैं छठ पूजा मनाने, जिसे लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक लोगों का जो भीड़ है वो देखने के लिए मिल रहा है। खास करके जो दिल्ली से ट्रेनें आ रही है उसमें लोगों का जो भीड़ है, लोग भीड़ बकरी की तरह ठूस ठूस के इधर आ रहे हैं। आई खबरों के लिए बने रहे, जय हिंद।